नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में मौद्रिक नीति के चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के क्लास में हमने पढ़ा यूनिट प्रथम में रिजर्व बैंक के बारे में, जिसमें रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक के उद्देश्य कारण क्या रहे, रिजर्व बैंक के स्थापना, उसकी प्रबंध संगठन संरचना और रिजर्व बैंक की सफलता असफलता के कौन कौन से कारण रहे, रिजर्व बैंक शाख नियमन नियंत्रण किस प्रकार से करता है, कौन कौन सी उसकी विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसी चैप्टर में रिजर्व बैंक के चैप्टर में नाबार्ड के बारे में अध्ययन किया और मौद्रिक नीति के बारे में अध्ययन किया कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या महत्व है। इसी क्रम में यूनिट संख्या प्रथम का ये अंतिम चैप्टर, अंतिम लेसन मौद्रिक नीति, जो कि आज हम इसको इस व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पूर्व के क्लास में हमने पढ़ा मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख का नियमन नियंत्रण करना, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन को रोकना, वो मौद्रिक नीति होती है। आज इसी क्रम में मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्विपमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरणों का वर्णन कीजिए या मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा, उसकी लागत या उसके उपयोग को इस प्रकार से नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सकें और इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए जिससे मौद्रिक नीति सही तरीके से क्रियान्वित हो सके। प्रोफेसर JD सेठी ने यह कहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं, जिसमें उचित ब्याज दर का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना, साख सुविधाओं का विस्तार एवं अनुचित विस्तार करना और साख के उपयोग पर नियंत्रण करना ये सम्मिलित है, जिसमें वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन और प्रभावी नियंत्रण, सार्वजनिक प्रबंध में मौद्रिक नीति एक अहम भूमिका होती है। इस प्रकार मौद्रिक नीति के उपकरणों को हम दो भागों में इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। पहला है साख नियंत्रण के उपकरण। और दूसरा है साख सुविधा विस्तार के उपकरण। साख नियंत्रण के उपकरण हमने पूर्व के क्लास में हमने विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था कि किस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियमन नियंत्रण करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियां, जिसमें गुणात्मक मात्रात्मक विधियां, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स के माध्यम से हमने साख नियंत्रण के उपकरण के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में हम मौद्रिक नीति के उपकरण को दो भागों में बांटा गया है, साख नियंत्रण के उपकरण और साख सुविधा क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सपेंशंस के इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विभिन्न उपकरणों के माध्यम से क्रियान्वित
की जाती है, जिसमें कि हमने पहले साख नियंत्रण के उपकरण में प्रथम पढ़ी थी बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर वह दर है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को इस दर पर उधार देता है या ऋण देता है, वो बैंक दर होता है। बैंक दर एक निर्धारित दर से आरबीआई के द्वारा ये दर परिवर्तन भी होती रहती है। दूसरा है खुले बाज़ार की क्रियाएँ। खुले बाज़ार की क्रियाएँ वह क्रियाएँ होती हैं जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका क्रय विक्रय होता है, उसका भी सेबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियमन नियंत्रण किया जाता है। ओपन मार्केट में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां एनएससी बीएससी से संबंधित लिस्टेड प्रतिभूतियों का डेली क्रय विक्रय होता है, तो वो खुले बाज़ार की क्रियाओं में आती हैं। अगला है नकद कोषानुपात में परिवर्तन। नकद कोषानुपात यहाँ पर चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1935 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत बैंक के पास या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे हम नकद कोषानुपात भी कहते हैं। इसमें रिजर्व बैंक चाहे तो इसमें घटोतरी व बढ़ोतरी की जा सकती है, तो कैश रिजर्व। अगला है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। वैधानिक SLR में परिवर्तन। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार वैधानिक तरलता अनुपात भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल कोष के रूप में रखती है, जो कि प्रारंभिक कुल जमाओं का 25% थी, किंतु समय समय पर इसको परिवर्तन किया गया है। इसमें सितंबर 2009 में SLR 38.5% थी और अब फरवरी 2018 में 19.5% एक SLR के रूप में रखा जाता है। अगला है रेपो दर। रेपो रेट। रेपो दर यह ब्याज की वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों को अतिरिक्त जमानत पर बैंक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रेपो दर में वृद्धि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, देश की मुद्रा में तरल मात्रा में किस प्रकार से कम किया जा सकता है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि, मंदी के निस्तारण में रेपो दर घटाई भी जा सकती है, तो साख नियंत्रण में रेपो दर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका, जिस ब्याज मतलब रेपो दर वह दर है जिसमें ब्याज दर देश का रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कोषों के रूप में जमा के रूप में स्वीकार करता है, और इसे रिवर्स रेपो दर भी कहते हैं, क्योंकि यह है ब्याज दर को बढ़ाने के लिए बैंकों के पास तरलता में जो कमी आती है उसे मुद्रा स्थिति पर मंदी के दौरान उसको ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि ब्याज दर के घटने पर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि और मंदी पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है चयनात्मक शाख नियंत्रण, कि किस आधार पर चयन किया जाए, ये भी एक शाख नियंत्रण में है, शाख नियंत्रण के उपकरण में माना जाता है चयनात्मक शाख नियंत्रण। चयन प्रणाली के आधार पर शाख का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें मार्जिनल निर्धारण होता है, अग्रिमों के अधिकतम सीमा का निर्धारण होता है, विभेदात्मक ब्याज दरें इसमें सम्मिलित होती है, और भी विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता शाख नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है ये भी एक इसमें शामिल है। उपभोक्ता शाख नियंत्रण के आधार पर भी इसको क्रियान्वयन कर सकते हैं, जिसमें नैतिक अनुनय भी शामिल है,
प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ये भी इसके भारतीय शाख नियंत्रण के उपकरण में शामिल होती हैं, जिसमें नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, अगर नियमों की अवहेलना होती है तो डायरेक्ट तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उनको किया जाता है। प्रचार प्रसार रिजर्व बैंक अपने चिट्ठे से संबंधित या अपने व्यापारी खातों से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी ये करता है। और अगर नियमों की अवहेलना होती है तो उनके द्वारा जो भी व्यापारिक बैंक, उन पर डायरेक्ट कार्रवाई भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है साख सुविधाओं के विस्तार के उपकरण। साख सुविधाओं के विस्तार के उपकरण में वित्तीय संस्थानों की स्थापना किस प्रकार से की जाती है वो सम्मिलित है। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल वो हैं इक्विपमेंट, उनकी किस प्रकार से अपन संचालन विस्तार करना है वो भी है। एक बैंक शाखाओं का विस्तार किस प्रकार से किया जाए, बैंक शाखाओं का विस्तार रिजर्व बैंक की अनुमति के आधार पे किया जाता है कि किस प्रकार से। अगला चलन मुद्रा का विस्तार, भारत में प्रचलित विभिन्न मुद्राओं को भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिबंधित भी कर सकती है और किस प्रकार से उसको चलन में लाए, तो चलन मुद्रा के विस्तार के माध्यम से भी एक रिजर्व बैंक की साख सुविधा के विस्तार में महत्वपूर्ण उपकरणों में शामिल है। अगला है बिल बाजार का विकास। साख सुविधा के विस्तार में बिल बाजार, अनेक प्रकार के बिल बाजार हैं, संस्कृति बिल बाजार, BR और BP में किस प्रकार से उनका क्रय विक्रय किया जाए, किस प्रकार से उसको डेवलपमेंट किया जाए, तो ये भी साख सुविधाओं के विस्तार में सम्मिलित है। अगला है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनमें निवेश करने में साख भी एक मौद्रिक नीति के उपकरण में, साख सुविधा के विस्तार के उपकरण में इसको शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं, छठा पॉइंट है, जो भी प्राथमिक क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए जिससे आसानी से किराना। अगला है गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधाएं। देश में व्याप्त गरीबी निवारण के लिए भी विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं को शामिल किया जाता है, ये भी एक साख सुविधा विस्तार के उपकरण में है। अंतिम है चयनित पुनर्वित्त पुनर्गठित की सुविधा। चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती की सुविधाएं सम्मिलित है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार से ये साख सुविधा के विस्तार से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल ये करते हैं, जिसमें साख नियंत्रण के उपकरण और साख सुविधा के विस्तार को इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 3 प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं, उसकी क्या महत्ता है, या फिर मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं उनका आप विस्तारपूर्ण अध्ययन कीजिए, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसी यूनिट में आपके मौद्रिक नीति के बाद में चैप्टर आता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण। जैसा कि आपको हमने पूर्व के क्लास में बता दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियमन एवं नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, गुणात्मक विधियाँ, मात्रात्मक विधियाँ इसमें सम्मिलित हैं। अगला ये नाबार्ड का चैप्टर पढ़ा, तो इस प्रकार से बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष EFM पेपर सेकंड में यूनिट संख्या प्रथम में आपकी एक यूनिट आज कंप्लीट हो चुकी है। अगले यूनिट में हम सेकंड यूनिट का अपन अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वव्यापी बैंकिंग या ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग क्या है,
ई बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग, एटीएम और नवाचार, विभिन्न प्रकार के नवाचार कौन कौन से हैं वो भी हमने यूनिट संख्या प्रथम में पढ़ा, उसको पुनः हम दोबारा रिवीजन के रूप में भी पढ़ेंगे। और यूनिट संख्या थर्ड में बैंक और ग्राहक के बीच में क्या क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही आता है कि सामान्य और विशेष संबंध कौन कौन से हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपके लिए यूनिट संख्या सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में लिए आपके लिए लेके आएंगे कि कौन कौन सी नई न्यू बैंकिंग प्रणाली है, कौन कौन सी सर्वव्यापी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।